अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचिंग जोन चैनल्स और मैं आपका टीचर आपका दोस्त मोहम्मद आसिम। थंबनेल से आपको मालूम हो गया होगा कि इस वीडियो में फेडरल बोर्ड और प्रोविंशियल बोर्ड के दरमियान जो कंपैरिजन है वो करूँगा। अब क्या है, मैं एक फेडरल इंस्टीट्यूट का जो है टीचर हूँ, तो मेरे से बहुत सारे वालदैन अक्सर इस हवाले से पूछते हैं कि क्या सर हमारा बच्चा फेडरल बोर्ड में जो है दाखिल होना चाहिए या इसको मैट्रिक इंटर जो है ये प्रोविंशियल बोर्ड से करनी चाहिए। ये बहुत ट्रिकी सा या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका जो है फौरन ही आंसर दे दिया जाए यस या नो के फॉर्म में। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखे के ये फैसला लिया जाना चाहिए कि कौन सा बोर्ड किन हालात में बच्चे के लिए या तालिब इल्म के लिए या वालदैन के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद में ये इसका हेड ऑफिस है और ये जो कैंट एंड गैरिसंस, ये जो कैंट्स के कंटोनमेंट के हदूद में जो स्कूल्स वाक़ हैं उनको ये ऑफ़र करता है कि वो इसके साथ एफिलेशंस करा सकें। इसमें नेवल्स के स्कूल, एयरफोर्स के स्कूल, आर्मी स्कूल्स, रेंजर्स के स्कूल्स, फौजी फाउंडेशन और ग्रीजन्स के और कुछ स्कूल्स शामिल हैं। इसके मुकाबले में अब ये फेडरल बोर्ड भी जो है ये मैट्रिक जो है इंटरमीडिएट के भी और सेकेंडरी के भी, मैट्रिक के और इंटर के दोनों के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है और इसका हेड ऑफिस जो है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी ट्विन सिटीज़ हैं तो दोनों आपस में जो है इंटरचेंजेबली जो है हम यूज़ कर लेते हैं कि उसके लिए जो है। जो पंजाब के स्कूल्स हैं, पंजाब के स्कूल्स हर मतलब कि पंजाब के जो बोर्ड्स हैं वो 9 बोर्ड्स मौजूद हैं पंजाब में, हर डिवीज़न 9 डिवीज़न्स हैं पंजाब की, हर डिवीज़न्स के लिए जो अलग से जो है वो बोर्ड्स मौजूद हैं। मतलब एक बहावलपुर बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, लाहौर, सरगोधा, गुजरांवाला, रावलपिंडी, डीजी खान, ये जो हैं आई थिंक एक जो है वो मैं जहन में नहीं आ रहा, तो ये वो बोर्ड्स मौजूद हैं जो पंजाब। अब ये जो बोर्ड्स हैं जैसे बहावलपुर बोर्ड्स है, इस डिविजन्स में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वहाँ का ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जी? बावल नगर, बावलपुर, रहीमिया खान। याद है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इन बोर्ड्स की ज्यूरिसडिक्शंस क्या है। जो फेडरल बोर्ड है उसकी ज्यूरिसडिक्शंस पूरा पाकिस्तान और आउटसाइड दी ओवरसीज भी जो है ये कुवैत, बहरीन, दुबई, सऊदी अरब, कतर, वहाँ पे भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। वहाँ पे भी पाकिस्तान एम्बेसीज के भी अपने स्कूल्स हैं, उनको भी ये जो है वहाँ पे भी एग्ज़ाम्स। अब ये स्टूडेंट्स जो ओवरसीज़ है तो वो जाहिर सी बात है वो उसके लिए जो पंजाब बोर्ड है वो सूटेबल नहीं है, वो इसमें एग्ज़ाम्स नहीं दे सकता। ठीक है जी, ये मतलब कि आपको मैंने जो बताया था कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे आप ये डिसाइड करेंगे कि किस बोर्ड में आपको एडमिशन्स लेना है। क्लियर हो गया जी। अब आते हैं मोड ऑफ एग्ज़ाम्स की तरफ। अब जो प्रोविंशियल के जो बोर्ड्स हैं इनका एक ही डेट्स में एग्ज़ाम्स होता है, एक ही इनकी डेट शीट इशू होती है और 15 दिन के टाइम में जो मैट्रिक्स के पेपर हैं, पहले 10th के पेपर कंडक्ट होते हैं, फिर नेक्स्ट 2 वीक्स में या एक दो दिन ऊपर भी हो जाते हैं उसमें 9th के एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स का क्या होता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो पेपर हो रहा होता है और जिस दिन मुताला और इस्लामियात का पेपर होता है ये पेपर 2 शिफ्टों में होता है। मींस के बड़ा जो है कंजस्टेड सा वो जो टाइम पीरियड है जिसके अंदर बच्चों ने जो है अपना जो चीज़ को रिवाइज करना है और रिवाइज के लिए तो बहुत थोड़ा सा टाइम, मतलब कि वो जो है 12-1 बजे वो घर वापस आ रहा है और अगले दिन सुबह 8 बजे फिर वो जो है एग्ज़ाम हॉल की तरफ गया हुआ है, तो उसके लिए 20 घंटे हैं, उसमें उसने खाना पीना भी है, सोना भी है और सारा सिलेबस रिवाइज भी करना है। इसके मुकाबले में जो फेडरल बोर्ड का एग्ज़ाम है वो 1 एंड मोर देन 1 मंथ पे जो है 15 डेज 16 डेज 1 मंथ से ये उस पर एक एक पेपर्स के दरमियान एटलीस्ट 1 डे का तो गैप होता ही है। आर्ट्स के पेपर है, अगर साइंस के पेपर है
तो 3-4-5 डेज का भी गैप जो है वो हर पेपर में, एक दिन 9th का पेपर फिर 10th का, इस तरह तरतीब से जो है 45 डेज में अमूमन ये जो है एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट हो रहा होता है। वो 1 month 35 डेज में, जिसमें से पहले 10th कंप्लीट होगी फिर 9th की होगी। इसमें जो है 9th 10th सिमल्टेनियसली चल रहे होंगे, और किसी दिन उनका पेपर कभी उनका पेपर, और पेपर के बीच में गैप भी, उस गैप का ये बेनिफिट होता है स्टूडेंट रिवाइज बहुत अच्छे तरीके से अपना सिलेबस कर लेता है। ये था जो इनमें जो नैरो डाउन किया हुआ था ये फैक्टर। एक और फैक्टर, पंजाब में तसव्वुर किया जाता है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसा है 505 में जो है 504 मार्क्स, मीन एटलीस्ट 99.998% मार्क्स जो है स्टूडेंट्स ने हासिल किए होते हैं। फेडरल में इतनी ज़्यादा जो है रिलैक्स्ड मार्किंग नहीं होती कि वो आपको इतने जो है वो नियर अबाउट 100% पे भी चला जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भी अब जो है जो इस साल जो टॉपर स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स 1092 मार्क्स उसने अटेन किए हैं, लेकिन ख्याल रहे ये मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम्स की बुनियाद पे नहीं हुए, ये जो है 3% इम्प्रूवमेंट की वजह से। यहाँ जो है 1100 में से, मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, 1100 में से 1085, 82, 84 इस रेंज में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस के बच्चे मार्क्स जो हैं वो गेन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा जो है डिफरेंस हो गया। अब सोचना आपने है कि आपके पेरेंट्स अगर कंटिन्यूसली मूव करते हैं एक शहर से दूसरे तीसरे, और वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके लिए फेडरल बोर्ड जो है वो सूटेबल है। प्रोविंशियल बोर्ड्स, प्रोविंशियल्स के ऐसे लोग जिन्होंने एक डिवीजन के हदूद में या डिस्ट्रिक्ट के हदूद में रहना, वहाँ के लिए जो है पंजाब बोर्ड जो है वो सफिशिएंट है, सूटेबल है। फिर आ जाते हैं सिलेबस की तरफ। फेडरल बोर्ड के लिए जो इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है, या जो मैट्रिक की क्लासेस का भी है, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स हैं और पंजाब टेक्स्ट बुक की बोर्ड है, अच्छा बेहतरीन सिलेबस है पंजाब का भी और जो है फेडरल का भी। मैट्रिक के लेवल्स पे कोई इसमें जो है ऊंच नीच नहीं है, केमिस्ट्री चेंज है, पंजाब की अलग है फेडरल की अलग है, बट जो फेडरल नेशनल बुक फाउंडेशन की है वो भी बेहतरीन कंटेंट्स उसमें मौजूद है। जब हम बात करते हैं हायर सेकेंडरी की, इंटरमीडिएट की, वहाँ पे जाके डिफरेंस है। वहाँ पे कुछ बुक्स जो हैं वो KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की हैं, जो लास्ट टाइम PTI की गवर्नमेंट्स थी, तो कुछ बुक्स जो हैं इन्होंने फेडरल बोर्ड ने वो वहाँ से यहाँ पे जो है ली हुई हैं, वो लगाई हुई हैं। वो स्टूडेंट्स अब चाहे वो पंजाब में पढ़ रहा है लेकिन वो इनरोल्ड हुआ है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है फेडरल के साथ, उसको वो KPK वाला सिलेबस या KPK वाली बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। क्वालिटी थोड़ी सी जो है वो उतना क्यूरिकुलम बेहतरीन, ये मेरी ज़ाती राय है, कोई जो है इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन आप इसको समझ लें कि क्यूरिकुलम की मैं जो है डिविजन्स कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन, मेरा जो पर्सनल तजिया, ये गलत भी हो सकता है, कोई इसमें जो है मुझे उसमें, आप जो टीचर्स हैं अगर वो मेरी ये वीडियो देखते हैं तो वो मुझे रुजू कर सकते हैं, और मैं जो है इस चीज़ से अगर एग्री होता हूँ तो उन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मसला आएगा जब आप MCAT और ECAT का एग्ज़ाम देते हैं, उसका ज़्यादा पोर्शन जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की जो बुक्स हैं उनको मद्देनज़र रख के बनाया जाता है। अगर आपने एंट्री टेस्ट के लिए आगे फर्दर जो है प्रोसीड करना है तो बेटा आपके लिए जो मेरी सजेशन है वो यही है कि आप प्रोविंशियल बोर्ड की तरफ मूव कर लें, ताकि वो कंटेंट आप ग्रैप्स कर सकें जो आगे आपको हेल्पफुल होंगे। ये थोड़ा सा कंपैरिजन था, कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखा, कुछ फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ताकि अब आप फैसला आसानी से कर सकें कि कौन सा जो है किस हालत में कौन सा बोर्ड आपके लिए जो है सूदमंद रहेगा या फ़ायदामंद रहेगा।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जो है बहुत पसंद आई होगी, आपने लाइक कर दी होगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल्स पे आए हैं तो आप मेरे चैनल्स को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशंस का जो बटन है इसको जो है प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मेरी आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो भी उनके भी नोटिफिकेशंस बर वक्त आपको मिलते रहे। इस इन्फॉर्मेशन को अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि ये जो इल्मी खिदमत है उसमें भी आपका हिस्सा भी जो है वो शामिल हो जाए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, इंटरेस्टिंग मालूमती और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।